लेकिन साथियों मैं सिर्फ एक चीज की बात कहूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि बोलते बोलते मुझे आधा घंटा 20 मिनट लग जाता है, इसलिए मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, मजा नहीं आएगा आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ी सी बात रखूंगा। एक विश्वास की बात है, और विश्वास की बात ऐसी है कि मैं किस पर विश्वास करूं, क्योंकि देश के अलग अलग संगठनों, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गलियों में, जिनकी गलियों में पहचान नहीं हो, दिल्ली की बात करते हैं, 10 लोग मिलकर संगठन तैयार कर दिए, और 10 लोग संगठन तैयार करके बन गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोग जाने क्या क्या, मैं थोड़ी सी बात, तो मैं विश्वास किस चीज पे करूं, किस बात पे करूं। और सीधी सीधी बात, एक बात एकदम डायरेक्ट बात करूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं पैदा हुआ अपनी मां की कोख से, मैं पैदा हुआ अपनी मां की कोख से, कहने का मतलब है कि हम लोग विश्वास किस चीज पे करें। मैं अपने पिताजी पर विश्वास करूं कि मैं उनका बेटा हूं या मां पर, मैं विश्वास किस बात पर करूं कि मैं पैदा हुआ तो अपनी मां की कोख से, और पिताजी का भी नाम है। लेकिन साथियों मुझे पता है विश्वास और सत्य में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि यहां विश्वास की और सत्य की बात हो रही है। और विश्वास और सत्य में मैं सीधी सीधी बात यह कहूंगा कि मैं मां का बेटा हूं, यह सत्यता है। मेरी मां ने मुझे पैदा की, यह सत्य बात है। लेकिन मैं बाप का या अपने पिताजी का बेटा हूं या नहीं हूं, इस बात में सत्यता नहीं है, यह विश्वास की बात है। यह मैं विश्वास कर सकता हूं कि मैं अपने पिताजी यानी इनका बेटा हूं, लेकिन यह सत्यता है कि मेरी मां ने मुझे पैदा किया। उसी प्रकार इस देश में जिस प्रकार से बिखराव है, जिस प्रकार से लोग यहां से वहां मेंढक के जैसे कूदक रहे, इसका कारण क्या है? या फिर सब जानते हैं ईवीएम में खराबी है, ईवीएम कैप्चरिंग हो रही है, और आज के तारीख में तो जो भी युवा है वो तो अच्छे खास है, वो जानते ही है टेम्परिंग हो सकती है, अरे चंद्रयान में आप उसको वो कर सकते हैं, तो ईवीएम को क्यों नहीं कर सकते भाई? कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी कभी भी लंबे समय तक नहीं चलती, उसमें परिवर्तन होते रहता है। इसी प्रकार ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक मंच पर, एक संगठन पर यहाँ के लोग क्यों नहीं आते, इसका कारण क्या है? हम लोगों ने सॉल्यूशन पर बात करना है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, ना कि भाषणबाजी कर रहे हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन पर बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ईवीएम तो बंद कराना है, ये डेफिनेटली है। और इस देश में अगर कोई राजनीतिक पार्टी आई या ना आए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर 1932 में गोलमेज परिषद चाहते हैं, और गोलमेज परिषद क्यों जाते हैं और कैसे जाते हैं? क्योंकि उनके सबसे लाडले बच्चे राजरत्न की लाश को लांग कर डॉक्टर बी आर आंबेडकर गोलमेज परिषद लंदन जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनके जेब में कफन के लिए पैसा नहीं होता, उस राजरत्न के कफन के लिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के जेब में पैसा नहीं होता, फिर भी हम जैसे नालायक लोगों के लिए बाबा साहब गोलमेज परिषद लंदन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या कारण था? क्योंकि इसलिए कि बाबा साहब जिस जाति से आते हैं, जिस जाति में वो त्रस्त हुए थे, और जिस जाति में त्रस्त होकर इस देश के बहुजन समाज के हालत जो यहाँ अस्त व्यस्त थे, इसलिए बाबा साहब गोलमेज परिषद जाना चाहते थे, और गांधी एंड कंपनी को खत्म करना चाहते थे। बाबा साहब गांधी एंड कंपनी को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि गांधी एंड कंपनी इस देश के बहुजन समाज, इस देश के मूल निवासियों के हक अधिकारों को, आप लोग जानते, इतिहास को जानते होंगे आप, कि गांधी एंड कंपनी, गांधी ने अगर सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब का किसी ने विरोध किया है तो वो है जिसने कभी किसी की आत्मा नहीं जाना, जो बन गया इस देश का महात्मा। उस गांधी के विरोध में, उस गांधी के, ये गांधी कंपनी का हमें खत्म न कर दे, इसलिए बाबा साहब ने तुम्हें वोट के अधिकार को दिलाने के लिए बाबा साहब गोलमेज परिषद जाते हैं। और जब लंदन से बाबा साहब भारत लौट के आते हैं, बाबा साहब के जो करीबी होते हैं, दत्तू, नानक चंद दत्तू, आप लोग नाम जानते होंगे, कि नानक चंद दत्तू जब उनसे बाबा साहब से प्रश्न करते कि बाबा साहब आप तो खाली हाथ गए, और खाली हाथ आ गए, आप क्यों गए लंदन?
क्यों गए थे? तब जाके बाबा साहब नानक चंद रत्तू को समझाते हैं कि नानक चंद रत्तू, मैं वहां से एक वोट लाया, एक वोट की ताकत लाया। नानक चंद रत्तू पूछते हैं, बाबा साहब एक वोट की ताकत क्या है? ये जैसे साहब बोल रहे थे ना कि आपके सारे हक अधिकार छीन लिए गए, आपके पास अगर कोई नेता कोई आता है या प्रधानमंत्री मोदी कहता है कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, मैं इस देश का सेवक हूं, न जाने क्या क्या अपने आप में वो टेक लगाता है। वो इसलिए लगाता है क्योंकि आपके पास एक वोट की ताकत है। इसलिए बाबा साहब रत्तू को समझाते हैं कि रत्तू ये वोट नहीं है, ये वोट नहीं है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, और ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और जिस प्रकार हम अपनी बहन बेटी को किसी दरवेश चोर नसोड़ी बदमाश को नहीं सौंपते, उसी प्रकार हमें इस वोट को ऐसे इंसान को सौंपना है और इस वोट की रक्षा करना है। तब जाके बाबा साहब कहते कि जाओ उस दीवारों पे लिखो तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है, और ये इस वोट के पावर के लिए कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कांग्रेस हो या भाजपा हो, उन्होंने इस देश के बहुजनों के साथ क्या किया? चाहे कल सुप्रीम कोर्ट में से एससी एसटी, मैं और एक पर्दा डालना चाहूंगा एससी एसटी एक्ट के ऊपर, आपके सामने एक पर्दा डालना चाहूंगा कि एससी एसटी एक्ट क्या है? जी सर, विषय बस नहीं सर, हम लोग सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। तो मैं पांच मिनट लूंगा, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कम मैं पहले ही बोला कि मुझे 10 मिनट। हाँ ओके, हाँ चलिए ठीक, आप बोल सकते हैं, आप संभाल ओके, आप ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन विषय ओके विषय से भटकने का तो सॉरी, चलिए ठीक है। तो जिस प्रकार बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, और जिस प्रकार बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार समझाया है, और आज इसी वोट के अधिकार को एक मशीन से हमारे वोट के अधिकार का हनन किया जा रहा है साथियों, सॉरी। तो मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन को हम सब मिलकर, हर भारतवासी मिलकर इस आंदोलन को हम लोग दिल्ली से लेकर दिल्ली तक लाए, और इस देश में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए, और ये दम खम से क्योंकि मैंने विश्वास और सत्य की बात इसलिए किया था क्योंकि हम वोट डालते हैं ये सत्य का, लेकिन विश्वास हमको ईवीएम पर नहीं कि ईवीएम से पारदर्शिता है, इसलिए हम लोगों को इस पर विश्वास नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि यहां जो जिस प्रकार से भी नीति तैयार हो, उस नीति के आधार पर आप पूरे देश में ईवीएम का विरोध करें और बैलेट से चुनाव करने की मांग करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।